गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर सेम चैप्टर, सिंपल इक्वेशंस। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर 4.2। द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, वी हैव टू राइट द स्टेप इन द ब्रैकेट। सो हियर इट इज -1। अगर -1 होगा तो वी विल डू हियर प्लस, -1 विल बी प्लस। सो 0 + 1, इधर भी प्लस आया, इधर भी प्लस आया, +1 कर दिया। प्लस अगर -1 था तभी हम प्लस करेंगे, अगर प्लस होगा तो प्लस नहीं होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा। ओके, तो यहाँ पे -1 +1 कट 0 हो गया, 0 + 1 becomes 1। अगेन द सेम क्वेश्चन, x + 1 = 0। तो अगर प्लस है तो मैंने अभी बताया व्हाट विल बी, इट विल बी माइनस। x + 1 - 1 0 - 1, एज आई हैव रिटन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, एज अगेन हियर एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। जैसे हम लोगों ने प्लस किया था तो एडिंग लिखा था, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस करेंगे विल बी राइटिंग सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द बोथ साइड्स। ओके, सो स्टूडेंट्स हैव यू डन द क्वेश्चन? आई थिंक इट्स वेरी इजी क्वेश्चन दैट वी हैव डन इन दिस टाइप। नाउ मूविंग अप टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स इट्स 3L = 42। नाउ स्टूडेंट्स इट्स मल्टीप्लाइड हियर, सो मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड होगा, सो आई विल बी डिवाइडिंग हियर। 3 इज डिवाइडेड बाय 3L एंड 42 ऑल्सो, ऑन बोथ द साइड्स डिवाइड बोथ द साइड बाय 3। आई हैव डिवाइडेड एंड वी गेट 14। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ इन द सेम वे b/2 = 6, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस टाइम डिवाइडिंग हियर, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड हियर। 2 से मल्टीप्लाई किया कट हुआ b = 12। सो इट्स द सेम क्वेश्चन इन द क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो। ऑल द क्वेश्चन आर बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन हैं, आप लोग सेम क्वेश्चन को खुद से फॉलो कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 4.3 है वो भी सेम कॉन्सेप्ट के साथ बेस्ड है। जो मैं क्वेश्चन नंबर 4 करूंगा उसी तरह से आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू विल बी डूइंग इट वेरी इजीली। नाउ अ क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज 3N - 2 = 46। फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे -2 है, एडिंग 2 टू बोथ साइड्स, एड किया दोनों साइड पे 2, इट इज कट हियर 3N = 48। नाउ हियर इट इज 3N डिवाइडिंग 3, स्टेप 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड इट कम्स N = 16। सो दिस इज वेरी इजी, सेम इन द ऑल द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों, क्या किया पहले, एडिंग 2 इन द बोथ साइड्स, 2 करने के बाद क्या है हमारे पास, 3N = 48। अगेन हियर इट इज 3N, सो वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय 3। नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, दोनों साइड को 3 से डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 16। सो ऑल द क्वेश्चन आर ऑफ सेम टाइप, यू विल बी डूइंग द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो नाउ स्टूडेंट्स आर लास्ट पार्ट, दैट इज सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज 10P = 100, जो भी इस मेथड को बोलते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस उधर जाके माइनस होगा, माइनस उधर जाके प्लस होगा। सो इट इज मल्टीप्लाइड हियर, इट विल बी डिवाइडेड हियर इन द राइट हैंड साइड। ओके, फ्रॉम लेफ्ट व्हेन वी ट्रांसपोज वन नंबर p = 100/10 एंड 0 से 0 कट हुआ, वी गेट 10 हियर। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10p + 10 = 100, इट इज एडेड हियर, इट विल बी सब्ट्रैक्टेड, वी विल गेट 100 - 10, इट विल बिकम 90। 10p = 90, p = इट इज मल्टीप्लाइड एंड हियर इट विल बी डिवाइडेड। ओके, व्हेन वी डिवाइड देम वी गेट 9। ओके, सो आई थिंक यू आर वेरी कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट। आई एक्सपेक्ट दिस एक्सरसाइज इज डन वेरी इजीली एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। ओके, सो टिल देन वेरी गुड बाय बेटा एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।